नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारतीय अरबपति गौतम अडानी आज बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनकी संपत्ति में रोज बड़ी गिरावट आ रही है और वो दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट से चौथे पायदान पर थे, लेकिन खिसक करके 22वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। अडानी ग्रुप के मार्केट कैप की बात करें तो ये कुछ ही दिनों में 117 अरब डॉलर से ज़्यादा घट चुका है। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी परेशानी से अडानी उभर पाएंगे। हालांकि मार्केट के जानकार ये कह रहे हैं कि अडानी बाउंस बैक तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि अडानी के खजाने में अभी भी एक ऐसा रत्न मौजूद है जो इस संकट के समय में उनके लिए मददगार साबित हो सकता है। जी हाँ, बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी की प्रवर्तक कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज के पास किसी भी शॉर्ट टर्म लोन के एक हिस्से का भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति और निवेश का एक बड़ा पोर्टफोलियो मौजूद है। आमतौर पर पूंजी की कमी से जूझ रहे भारतीय प्रमोटर अक्सर नए बिजनेस की शुरुआत करने या फिर मौजूदा कारोबार के विस्तार के लिए अपने शेयर गिरवी रखते हैं। यही अरबपति गौतम अडानी ने अपनी लिस्टेड कंपनियों में से कुछ के साथ भी किया है। बीते 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद उनके शेयरों में जो जबरदस्त गिरावट आई थी, उससे उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। इसके साथ ही गिरवी रखे गए शेयरों में भी मार्जिन दबाव का भी सामना करना पड़ा। नाथन एंडरसन के नेतृत्व वाली शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट में शेयरों में हेराफेरी से लेकर के समूह पर भारी भरकम कर्ज से जुड़े कुल 88 गंभीर सवाल उठाए थे, जिसके बाद इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा और अडानी की कंपनियों के शेयर भर भरा कर टूट गए और शेयरों में गिरावट का ये सिलसिला अभी तक जारी है। इस संकट से उबरने में गौतम अडानी की अहमदाबाद अडानी प्रॉपर्टीज, जो शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं है और न ही उन कंपनियों की तरह फेमस है, वो काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इस कंपनी ने ग्रुप के तमाम बिजनेस में निवेश किया हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो करीब 3 दशक पुरानी ये कंपनी प्रमोटर ग्रुप की कंपनियों में से एक है, जो प्रमुख रूप से अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और SEZ, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन में गौतम अडानी फैमिली की ओर से इन्वेस्टमेंट रखती है। गौतम अडानी की इस अनलिस्टेड कंपनी के साइज की बात करें तो ये कई लिस्टेड कंपनियों को भी बौना साबित कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020-21 के लिए कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 11,144 करोड़ रुपए और टैक्स के बाद प्रॉफिट 4,763 करोड़ रुपए रहा था। इसमें बताया गया कि अडानी प्रॉपर्टीज पर 28,618 करोड़ रुपए का कर्ज है और इसकी तुलना में कंपनी की कुल संपत्ति 41,293 करोड़ रुपए है। कंपनी का मुख्य व्यवसाय माल का थोक व्यापार करना है। इसने कई सहायक कंपनियों के जरिए रियल एस्टेट और वित्तीय सेवाओं में भी भारी भरकम निवेश किया हुआ है। वास्तव में इसकी रिकॉर्ड 351 सहायक कंपनियां, सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम हैं। इसकी प्रॉपर्टीज की लिस्ट में मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 8,21,000 वर्ग फुट जमीन भी शामिल है। हालांकि ये संपत्ति कंपनी द्वारा लिए गए लोन के एवज में फिलहाल गिरवी रखी गई है। गुजरात समेत अन्य राज्यों में भी कंपनी के ऐसे कई एसेट मौजूद हैं। हाल ही में अडानी प्रॉपर्टीज भी खासी चर्चा में रही थी, जब इसने एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया में से एक धारावी के रिनोवेशन के लिए बोली जीती थी। मार्केट एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि अडानी ग्रुप की ये अनलिस्टेड फर्म समूह की कंपनियों की किसी भी अल्पकालिक फंडिंग आवश्यकता को पूरा करने के लिए मददगार साबित होगी। रिपोर्ट्स की माने तो ग्रुप ने हाल ही में 3 कंपनियों, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स और अडानी ट्रांसमिशन में गिरवी रखे शेयरों को छुड़ाने के लिए कुल 1.11 अरब डॉलर का लोन चुकाया है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अडानी के इस अनसुने बेशकीमती रत्न पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।